Hi students, good morning everybody. Welcomes you in Guru Tegh Bahadur Public School online classes. आज मैं आपको क्लास फोर्थ का मैथ का 15 अप्रैल को क्लास फोर्थ का मैथ का लेसन देने जा रहा हूँ, जिसमें आपका पहला टॉपिक है, तीन टॉपिक आज मैं आपको टीच करवाऊँगा. पहला टॉपिक है आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर्स. कौन कौन से होते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर्स? द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज वन मोर देन द नंबर, सो वी एड वन टू द नंबर टू गेट इट्स सक्सेसर. जब किसी भी नंबर में हम वन ऐड कर देते हैं तो हम सक्सेसर प्राप्त कर लेते हैं, वी गेट अ सक्सेसर. सक्सेसर ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल 13235, 13235 मैंने लिखा हुआ आपके सामने. इसमें हमने वन ऐड किया, 13236 इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. 13236 इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. ओके, आगे है प्रेडिसेसर ऑफ नंबर. फॉर एग्जाम्पल प्रेडिसेसर ऑफ नंबर, द प्रेडिसेसर ऑफ नंबर इज वन लेस देन द नंबर, सो वी सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द नंबर टू गेट इट्स प्रेडिसेसर. जब हम किसी भी नंबर में से वन नंबर लेस देन कर देते हैं या वन नंबर माइनस कर देते हैं तो प्रेडिसेसर नंबर हमें मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 34569 माइनस वन, 34568 इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर. क्या है? 34568 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 34569. ये नंबर जो है इस नंबर का प्रेडिसेसर है. तो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे आपने, मैंने वन वन एग्जांपल से आपको समझाया है. सेकंड टॉपिक का अपना कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. सेकंड टॉपिक क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. वी हैव ऑलरेडी लर्न द कंपैरिजन ऑफ अप टू फोर डिजिट नंबर. द रूल ऑफ कंपैरिजन ऑफ लार्जेस्ट नंबर आर द सेम. हम फोर डिजिट तक, क्लास थर्ड में फोर डिजिट तक कंपैरिजन हम सीख चुके हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट जो रूल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ. इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट आर डिफरेंट देन द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर. इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट आर डिफरेंट देन द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर. जब नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो और जिसकी डिजिट की जिस नंबर की डिजिट ज़्यादा हो वो ग्रेटर होगी, चाहे उसमें नंबर छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है. यानी ये चार डिजिट का ही नंबर है, ये पाँच डिजिट का नंबर है, तो बिना देखे हम पाँच डिजिट वाले नंबर को ग्रेटर मान लेंगे. सेकेंड है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम देन वी स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ द डिजिट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट. जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, फॉर एग्जांपल 4-4 डिजिट की हो, तो अब हमें लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना है. किस साइड से? लेफ्ट साइड से. ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है नंबर की. इस साइड से देखना शुरू करना है हमें नंबर को. वी कंपेयर द डिजिट अंटिल यूज फाइंड टू डिजिट दैट आर डिफरेंट. हम तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक उसकी कोई दो डिजिट डिफरेंट ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल 23456 23156. तो मैंने 4 को बेटा राउंड किया हुआ है. देखिए, हमने लेफ्ट से देखना शुरू किया. इसका 2 भी वैसा है, इसका 2 भी है, इसका 3 है, इसका 3 है. दो नंबर तक तो सेम है दोनों नंबर. थर्ड नंबर में इसमें 4 है, इसमें 1 है. तो 4 बड़ा होता है, 4 ग्रेटर होता है. इसलिए हम सिंबल किस तरफ लगाएंगे? दैट्स नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस नंबर. थर्ड क्वेश्चन है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर. बेटा इसमें आई थिंक कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. यू हैव स्टडीड इन फोर्थ क्लास, यू लर्न फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्लास व्हाट्स द असेंडिंग नंबर एंड व्हाट्स द डिसेंडिंग नंबर. असेंडिंग नंबर एंड डिसेंडिंग नंबर आई टेल अस, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. हम मैंने आपके सामने लिख रखा है, छोटे से बड़े की तरफ जब हम लिखते हैं, ये छोटा नंबर है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है. जब हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखते हैं दैट्स मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसमें हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जब हम जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. इसमें देखिए, ये नंबर 42000 वाला इससे बड़ा है, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है. बड़े से छोटे की तरफ जब हम आते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो आई होप
आपने ये तीनों पॉइंट, तीनों टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको कल होमवर्क में देने वाला हूँ बेटा। इस वीडियो को आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आगे आप तक हमारी पहुंच बनी रहे और आप अच्छे से आपके आप तक आपके घर तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें।